दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए अपडेट में। इस समय हम देखिए जनपद जौनपुर के शाही पुल के निकट गोपी घाट पर उपस्थित हो चुके हैं और बताना चाहेंगे साथियों कि दिनांक 22 जनवरी को यहां पर भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया गया है, आयोजन किया गया है। तो देख सकते हैं वहां पर तैयारियां काफी जोरों से चल रही है, आज ही से तैयारी चल रही है क्योंकि मात्र आज का दिन बचा है और कल का दिन बचा है और 22 तारीख को यहाँ पे भव्य आयोजन किया जाएगा इस पावन गोपी घाट पर। और इस समय हम देखिए घाट की सीढ़ियों पर मौजूद है साथियों, बताना चाहेंगे वहां पे पत्थर लगाने का काम चल रहा है काफी जोरों से, यानी कल तक पूरा रेडी हो जाएगा ये। और देख सकते हैं सामने उस प्रकार का देखिए तैयारियां चल रही है, टेंट पूरा देखिए आ गया है यहाँ पे लगने के लिए। अभी हम ऊपर चलते हैं दिखाते हैं। तो काफी जोरों साथियों काम चल रहा है और घाट जो नया घाट है उसी पर साथियों बनाया जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां चल रही है और कुछ प्रकार देखिए तैयारियां चल रही है। और यहाँ पे एक आयोजन भी था, वो आज समापन है, जैसा देख सकते हैं आयोजन है उसका समापन है आज। पीछे होते चले जाएंगे, सबको आरती का मौका मिलेगा। सुंदर कांड एवं महायज्ञ का आयोजन था जो आज समापन है, सत्यनारायण भगवान का कथा था। और देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार तैयारियां चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं और पूरा देखिए। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लगाने को किस प्रकार का तैयारियां की जा रही है। दिनांक 22 जनवरी को भव्य राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके अवसर पर यहाँ पे कार्यक्रम का किया गया है ज्ञान प्रकाश सिंह जी द्वारा। तो आप देख सकते हैं तैयारी काफी जोरों से चल रही है। और अभी हम चलते हैं, आपको पूरा तस्वीर दिखाते हैं गोपी घाट का और देखिए किस प्रकार यहाँ ढका गया है, इसको तो खोल दिया जाएगा, इसको किसी कारणवश इसको ढका गया है फिनिशिंग के लिए। और तो इस समय देखते सकते हैं गोपी घाट पे इस समय मौजूद हैं और आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा साथियों, ये नया वाला घाट है जैसा कि आपको पता होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर लगाने को कुछ प्रकार का काम किया जा रहा है काफी जोरों से। अभी थोड़ा दिखा दे, इधर पत्थर नहीं लगा है तो इधर सीढ़ियों पे पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है काफी जोरों से। तो 22 जनवरी से पहले इसका काम पूरा हो जाएगा जैसा कि बता दें आपको, 22 जनवरी से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ देखिए मजदूर भाई लगे हुए हैं, पत्थर लगाने का काम देखिए इस कार का किया जा रहा है गोपी घाट पर। तो देखिए जो कटिंग है पूरा पत्थर यहाँ देखिए लग रहा है कुछ इस प्रकार का, और पत्थर लगा रहे हैं भाई लोग, देख पा रहे हैं आप लोग इधर पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है और पूरा सीढ़ी में पत्थर साथी लगा। देखिए इधर ही पत्थर लगना बाकी है, इस एरिया में साथियों पत्थर नहीं लगा था, देखिए उधर का पत्थर लग गया है जैसे कि आप नीचे का हिस्सा देख सकते हैं वहाँ पे पत्थर लग चुका है। और ये एरिया तो काफी दिन पहले बन चुका था और बाबा श्री गुमतेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है स्थान पर, तो यहाँ से पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है जैसा देख पा रहे हैं। पत्थर लगाने का काम काफी जोरों से चल रहा है, 22 जनवरी से पहले इस घाट को पूरा सुंदरीकरण हो जाएगा और काफी बढ़िया तरीके से इसको कर दिया जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हम आप सभी को तैयारियां का दिखाने का प्रयास किए और देख सकते हैं यहाँ पूरा देखिए तोड़फोड़ किया गया है, यहाँ पूरा लगेगा पत्थर साथियों। तो यहाँ पे भव्य आयोजन है, आप लोग इस आयोजन जरूर आवे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ताकि उन लोगों को पता चले जनपद जौनपुर के सद्भाव शाही पुल के निकट, शाही पुल के जस्ट बगल से जो रास्ता आता है गोपी घाट पे, और यही रास्ता है साथियों इधर से रास्ता आता है और काफी पुराना रास्ता है ये, और यहाँ पे लोग आएंगे तो आयोजन का आनंद उठाएंगे। तो एक छोटा सा अपडेट आप सभी को जनपद जौनपुर के गोपी घाट से दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए सीढ़ियों पे अभी पत्थर लगा नहीं है, सीढ़ी पत्थर जल्द लग जाएगा, तो लगाने का काम चल रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इस आयोजन में आप सभी लोग जरूर उपस्थित हों और भव्य श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पे आए हैं। और देखिए यहाँ पुट्टी लगाने का काम चल रहा है काफी जोरों से, तो इसको कर दिया जाएगा साथ ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार साथियों इसमें देखिए मजदूर भाई लगे हुए हैं इस पत्थर को लगाने में, और इसी एरिया का बस बाकी था साथियों पत्थर लगाना, बाकी का एरिया उधर आप देखेंगे उधर का एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका था, बनके तैयार हो चुका था, बस गोपी घाट का हिस्सा इधर का हिस्सा पूरा बाकी रह गया था। तो इस काम को पूरा कर दिया जाएगा आज कल में पूरा,
तो चलिए एक छोटा सा अपडेट आप सभी को जनपद जौनपुर के गोपी घाट से दिखाने का प्रयास किए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे लाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।